नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको आपकी होम ब्रांच पे कांटेक्ट करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इमरजेंसी होती है और हमको तुरंत होम ब्रांच पे कांटेक्ट करना पड़ता है, जैसे कोई फ्रॉड आपके साथ हो गया या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई इस तरीके से। तो और आप अगर यदि अपनी उस सिटी में नहीं हो जहाँ पर आपकी होम ब्रांच है, मतलब आपका अकाउंट तो बॉम्बे में है लेकिन अभी इस वक्त आप दिल्ली में हो, तो इस वक्त पर क्या किया जा सकता है जब अनरीचेबल, तो सबसे बेस्ट है कि आप अपनी ब्रांच से को ईमेल के माध्यम से कांटेक्ट करो। लेकिन अब ब्रांच का ईमेल आईडी आप कैसे सर्च करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि ब्रांच का ईमेल आईडी कितना इजीली आपको बिना किसी एफर्ट के मिल सकता है। देखिए, ब्रांच का ईमेल आईडी क्या है, एसबीआई ने अपनी हर ब्रांच का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाया हुआ है ईमेल आईडी का, जिसके अंदर जो ईमेल आईडी है वो सिर्फ ब्रांच कोड के साथ बदलता है। अगर आपको आपकी ब्रांच का कोड पता है तो आपको ब्रांच का ईमेल आईडी भी पता है। मान के चलिए आपकी ब्रांच का कोड XXX है, तो आपका जो ईमेल आईडी बन जाएगा वो sbi.com और 5 डिजिट का ब्रांच कोड @sbi.co.in होगा। मतलब ये एक कॉमन ईमेल आईडी हो जाता है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है। देखिए, मेरी ब्रांच का कोड 11314 है शिवगंज का, तो यहाँ पर जो मेरी ब्रांच का ईमेल आईडी हो जाएगा वो हो जाएगा sbi.11314@sbi.co.in। अब मान के चलिए कोई ऐसी ब्रांच है जिनका ब्रांच कोड 3 डिजिट का है, जैसे कि चांदनी चौक दिल्ली ब्रांच का कोड है 631, तो इसका ब्रांच कोड बन जाएगा, इसका ईमेल आईडी बन जाएगा इस ब्रांच का sbi.00631। मतलब अगर यदि आपकी ब्रांच का कोड 5 डिजिट से कम है तो उतनी डिजिट आप 0 एडप्ट कर दें आगे, तो आपका ईमेल आईडी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप बड़ा इजीली अपनी ब्रांच से कांटेक्ट कर पाएंगे। अब आपको अगर यदि आपकी ब्रांच कोड पता नहीं है, तो ब्रांच कोड आप कई तरीके से पता कर सकते हैं। आपकी पासबुक में ब्रांच कोड होता है, चेकबुक में ब्रांच कोड होता है, बैंक अकाउंट अगर स्टेटमेंट है तो उसमें भी ब्रांच कोड आपको मिल जाएगा। कभी आपने बैंक में कोई कैश डिपॉजिट या पेमेंट स्लिप है तो उस पर बैंक की मोहर पे आपको ब्रांच कोड मिल जाएगा। गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं, नहीं तो SBI की ऑफिशियल साइट पर आपको ब्रांच कोड मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरा वीडियो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करवा के रखें बैंकिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। धन्यवाद फ्रेंड्स।